मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री उमा भारती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उनके पहले पत्र से हंगामा मचने के बाद अब उन्होंने उस पत्र को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह हमारे केंद्र सरकार की छवि और पीएम की उपलब्धियों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को खराब करने की कुछ चेष्टा की है। इतना ही नहीं, मेरे एक पत्र को कल से खबरों में दिखाया जा रहा है, जबकि उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस खबर में से समाचार पत्र लिखने का दिन और महीने को गायब कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें अलग अलग बातों को जोड़कर उसको खबर बना दिया है। बता दें कि मार्च के महीने में उमा भारती के करीबी अफसर विनय निगम को आईएएस अवार्ड के लिए नाम ना जाने पर सीएम शिवराज को उमा ने नाराजगी भरा पत्र लिखा था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। और अब उमा का कहना है कि अब इसको दिखाया जा रहा है और जिसका कोई औचित्य नहीं है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।